हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हमने प्लांट इकोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट इकोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने चैप्टर टू यानी कि प्लांट एंड एनवायरनमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण जो है ये हमारी सराउंडिंग, हमारे चारों ओर का आवरण, यानी कि इस एनवायरनमेंट में जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके चारों ओर का जो सराउंडिंग है वो उनके लिए उसका एनवायरनमेंट हो गया। उस एनवायरनमेंट के जो फिजिकल और बायोटिक कंपोनेंट है उसके साथ ही वो मिलकर इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। पर्यावरण को हम बायोलॉजी में बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। बायोस्फीयर का अर्थ है सभी सजीव जो है इस एनवायरनमेंट के साथ मिलकर रहते हैं और उसी को हम जैव मंडल कहते हैं। बायोस्फीयर को मुख्यतया तीन भागों में बांटा है। हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल के जो सजीव होंगे वो मिलकर हाइड्रोस्फीयर बनाएंगे। लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले जितने भी सजीव हैं उनके परिवेश के साथ लिथोस्फीयर बनाते हैं। एंड एटमोस्फीयर वायुमंडल, वायु के जितने भी सजीव हैं वह अब उनके साथ मिलकर, उस परिवेश के साथ मिलकर एटमोस्फीयर का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया हमारा बायोस्फीयर। कहा जाए तो बायोस्फीयर खनिजों के मामले में या खनिज चक्रों के मामले में एक बंद तंत्र है और वो ऊर्जा के मामले में एक खुला तंत्र है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह निर्बाध रूप से चलता रहता है। नेक्स्ट है, इस एनवायरनमेंट में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। एनवायरनमेंट में मुख्यतः दो तरह के घटक होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट यानी कि भौतिक घटक, इसमें वाटर यानी कि जल, इनके बारे में हम सब डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम इनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहला है वाटर यानी कि जल, सॉइल मृदा, वायु एयर, टोपोग्राफी यानी कि स्थलाकृति, सोलर एनर्जी की सूर्य ऊर्जा जिस पर ही सारी पृथ्वी संचालित है, सूर्य ऊर्जा से ही सारी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है जिसका अनेक भागों में रूपांतरण होता है। टेम्परेचर यानी कि तापक्रम, सभी सजीवों को अपने शारीरिक और भौतिक क्रियाओं के लिए अलग अलग तापक्रम की आवश्यकता होती है। ग्रेविटी यानी कि इस पृथ्वी में पाए जाने वाला गुरुत्वबल, और फायर इनकी अग्नि। उसके बाद है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आप देखो सबसे पहले ग्रीन प्लांट है। ग्रीन प्लांट को हम सौपोषी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल जो है वो सूर्य की ऊर्जा से को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, यानी कि पौधों के अंदर पत्तियाँ जो है वो सौर ऊर्जा, पत्तियों के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः वे सौर ऊर्जा से जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपने अंदर भोजन यानी कि ग्लूकोज, कार्बन एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिले हुए अणु का निर्माण करते हैं और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए हम इनको स्वपोषी कहते हैं। उसके बाद है हीटरोट्रॉफ प्लांट यानी कि पर्ण हरित विहीन पादप। इनके अंदर पर्ण हरित नहीं पाया जाता है और ये अपना भोजन स्वयं सूर्य की ऊर्जा के द्वारा बनाते हैं। सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोब्स, माइक्रोब्स जो है इस धरती का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि जितने भी अपघटन होते हैं, जितने भी मृत जीव होते हैं उनका अपघटन इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होता है। अगर सूक्ष्म जीव नहीं हो तो पृथ्वी कचरे से भर जाएगी। एनिमल्स यानी कि जानवर और मैन, मानव जो सबसे ऊपर है ह्यूमन, ये सारे जो कंपोनेंट होते हैं इनका अलग अलग या स्वतः कोई अर्थ नहीं होता है, ये सब आपस में एक दूसरे पर आश्रित हैं और एक दूसरे से मिलकर ही इस एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं। इसीलिए कार्ल फ्रेडरिक ने इनको एक समग्रतात्मक या समाकलित दृष्टिकोण के रूप में जाना। सबसे पहले कार्ल फ्रेडरिक ने 1927 में एक होलिस्टिक अप्रोच दी जिसमें उन्होंने कहा कि पर्यावरण के सभी घटक आपस में मिलकर कार्य करते हैं, इनका एक समाकलित दृष्टिकोण है जिसके कारण ये एनवायरनमेंट स्वचालित होता है। इसके बाद में अलग अलग साइंटिस्ट ने एनवायरनमेंट में अलग अलग लॉ दिए और ये कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे BSc थर्ड ईयर के बॉटनी थर्ड पेपर में आते हैं, आप इनको अच्छे से एक बार देख लें। सबसे पहला है लिबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम। लिबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम जो है वो लिबिक्स ने दिया था और उनका मानना था कि पौधे की वृद्धि पौधे में स्थित उस तत्व से प्रभावित होती है जो सबसे न्यूनतम मात्रा में उपस्थित होता है। हम इसको अगर सरल शब्दों में समझें कि कोई एक जंजीर है, उसमें कई सारी कड़ियां हैं और उसमें एक कड़ी कमज़ोर है तो वो पूरी जो जंजीर है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। इसी तरह से पौधे में जो न्यूनतम मात्रा में उपस्थित तत्व है अगर वो नहीं होगा तो पौधे की वृद्धि प्रभावित होगी और पौधे में वृद्धि बिल्कुल न्यून हो जाएगी। तो इसी को लिबिक्स ने अपना न्यूनतम का नियम बताया।
उसके बाद में है ब्लैकमैन। उन्होंने भी लगभग लिबिक की तरह ही न्यूनतम का नियम दिया, लेकिन उन्होंने अपने नियम को सीमाकारी कारक का नियम कहा, क्योंकि उस न्यूनतम तत्व को लिबिक्स ने सीमाकारी कारक कहा, ब्लैकमैन ने कहा कि पौधे की जो वृद्धि है पौधे में उपस्थित सीमाकारी कारक के द्वारा प्रभावित होती है, जो पौधे में सबसे न्यूनतम मात्रा में उपस्थित होता है, यानी कि वह जो सीमा उसकी होनी चाहिए, वह लिमिट उस फैक्टर की जो होनी चाहिए, अगर वो नहीं हो तो पौधे की वृद्धि प्रभावित होती है। तो इसी को हमने ब्लैकमैन का सीमाकारी नियम कहा। उसके बाद में बात करते हैं सेल्फवुड के सहनशीलता का नियम। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको भी ध्यान से समझ लें। लॉ ऑफ रेंज ऑफ टॉलरेंस, सहनशीलता का जो नियम है वो कहता है कि पर्यावरण के भौतिक घटक जैसे प्रकाश, तापमान, इनके अधिकतम और न्यूनतम कारकों के बीच ही सजीवों की जीवन क्रिया की दर सर्वाधिक हो सकती है, यानी कि इन कारकों के सजीवों में अधिकतम और न्यूनतम के बीच में सहन करने की सीमा होती है और उसी में उनकी जीवन दर सर्वाधिक प्रभावित होती है। अगर उस न्यूनतम से कम होगा तो भी सजीव की जीवन दर प्रभावित होगी, और अगर उस अधिकतम कारक की जो सीमा है उससे भी अगर अधिक होगा तो भी उसकी जीवन जो क्रिया है वो प्रभावित होगी। तो सेल्फवुड का सहनशीलता का नियम सिंपल है, वो यही कहता है कि जितने भी भौतिक कारक हैं उनके अधिकतम और न्यूनतम सीमाओं के बीच में ही सजीवों की जीवन क्रिया सर्वाधिक होती है। उसके बाद में लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी का नियम, जो कहता है ऊर्जा ना तो रूपांतरित होती है, ऊर्जा ना तो नष्ट होती है, ऊर्जा ना ही पैदा होती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। उसके बाद में इन सब कारकों के बाद में एक एक होलिस्टिक जो अप्रोच थी वह यही कहती है कि इस पर्यावरण में वही सजीव अपने आप को लंबे समय तक टिका पाएगा जिसके अंदर सेंसिटिविटी, एडेप्टेशन और एकोमोडेशन ये तीनों हो। सेंसिटिविटी का मतलब है कि इस एनवायरमेंट में होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं उसके प्रति जीव अपने संवेदनशील हो, यानी कि इसमें जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उनकी संवेदना उस सजीव तक पहुँचे। संवेदनाओं के पहुँचने के बाद वो उस अनुकूलन अपने अंदर ऐसे अनुकूलन पैदा करे जिससे वो इस पर्यावरण में रह सके और उन अनुकूलताओं को भी आगे से आगे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित करते रहे। तो सेंसिटिविटी, एडेप्टेशन एंड एकोमोडेशन ये सब मिलकर ही एनवायरमेंट में किसी सजीव को लंबे समय तक या लंबी जीवन जीने में सहायता करते हैं। उसके बाद में आता है एटमॉस्फेयर। एनवायरमेंट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है दो ग्रीक वर्ड से बना है, एटम प्लस स्फीयरा। एटम्स का मतलब होता है वेपर और स्फीयर का मतलब होता है मंडल या एक गोला। तो वाष्प का मंडल है उसी को बाद में वायुमंडल का नाम दिया गया। इस वायुमंडल के अंदर कई सारी गैसेस उपस्थित है, आइए हम उसका परसेंटेज देखते हैं। सबसे ज़्यादा N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस है 78.08%, उसके बाद में O2 ऑक्सीजन है 20.95%, उसके बाद में है आर्गन 0.93%, उसके बाद में है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। देखो बच्चों, ये देखते ही आपके मन में आया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी कम है तो क्यों धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर इतनी त्राही त्राही मच रही है, क्योंकि हर एक, जैसे हमने आगे सेल्फोर्ड का भी नियम पढ़ा कि हर एक सजीव एक लिमिट जो है पर्यावरण में उपस्थित तत्व की एक सीमा को ही सहन कर सकता है, तो पर्यावरण ने इसकी जो सीमा है वो 0.03% ही सहन तय की है। अगर ये इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो हमें कई सारी की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा और हम इस पर्यावरण में रहने के अनुकूलन नहीं हो पाएंगे, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर इतना हम प्रदूषण के प्रति संवेदनशील है। इसके अलावा इस प्रकृति में वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, CH4 मेथेन, O3 ऑक्सीजन और कई इत्यादि गैसेस पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं जैसे स्मोक, धुआं, स्पोर्ट्स, बीजाणु, बैक्टीरिया इत्यादि। ये सब गैसेस जो है ये पृथ्वी के चारों ओर एक ग्रीन हाउस यानी कि हरित गृह का प्रभाव बनाती है जिससे इस पृथ्वी के तापमान को नियत बनाने में हेल्प मिलती है, क्योंकि जितने भी सजीव इस प्रकृति पृथ्वी पर है वह एक नियत तापमान को सहने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए इन ग्रीन हाउस गैसों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस या महत्व है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब हम पढ़ते हैं एटमोसफियर्स की लेयर्स। एटमोसफियर के अंदर वैसे तो चार मेन लेयर हैं लेकिन हम इसको पांच मानते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर।
सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रोपोस्फीयर की, यानी कि शोक मंडल की। शोक मंडल जो है वो 8 से 16 किलोमीटर की हाइट पर फैली हुई होती है। इस मंडल में जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो घटता है। इस तरह का जो निशान जहाँ बच्चों होता है नीचे की ओर, इसका मतलब घटना होता है, और अगर कोई तीर ऊपर की तरफ होता है तो इसका अर्थ होता है ऊपर बढ़ना। तो ट्रोपोस्फीयर का अर्थ है शोक मंडल, और 8 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, और इसमें जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे टेम्परेचर घटेगा। उसके बाद में है कि इस लेयर में ओजोन मंडल की शुरुआत हो जाती है। ओजोन मंडल 15 से 45 किलोमीटर तक पाई जाती है, लेकिन उसकी जो ज़्यादा सघन मात्रा है वो समताप मंडल में होती है। वायु, तेज आंधियाँ, पवन, ये सब शोक मंडल के अंदर होता है। उसके बाद में है स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि समताप मंडल। ये 16 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ होता है। इसको हम शांत क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि इसमें तेज गति से बहने वाली वायु का अभाव होता है। इसीलिए ऐसी क्षेत्र या ऐसा मंडल जो हवाई जहाज होते हैं उनकी उड़ान के लिए एकदम उत्तम माना गया है, उनके अनुकूल माना गया है। जितने भी हवाई जहाज और वायुयान होते हैं वह समताप मंडल में ही अपनी उड़ान तय करते हैं।